नमस्कार, आपके साथ मैं हूं वैशाली और आप देख रहे हैं केपीपीएल न्यूज। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी के खिलाफ अयोध्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने विरोध शुरू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका की कुरान से 26 आयतों को हटा दिया जाए। इस याचिका को लेकर अयोध्या के मुस्लिम समाज ने वसीम रिजवी से बहुत ही ज्यादा गुस्सा व्यक्त किया है। वसीम रिजवी के नजदीकी रहे शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व सदस्य व बहू बेगम मकबरा की मुतवल्ली अशफाक हुसैन जिया भी अब उनके विरोध में उतर आए। उन्होंने कहा कि वसीम रिजवी ने पाक कुरान के विरोध में याचिका दाखिल की है, इनको इसका विरोध सहना ही पड़ेगा। वहीं शहर के कोठा पर्चा गली में मुसलमानों ने जमकर वसीम रिजवी का विरोध प्रदर्शन किया और गिरफ्तारी करने के नारे लगाए। टाटशाह मस्जिद के पेश इमाम समसुल कादरी ने वसीम रिजवी को शैतान और नालायक बताया। उन्होंने कहा कि कुरान व दीन के खिलाफ जो भी बोलेगा उसका विरोध किया जाएगा। मुसलमानों ने वसीम रिजवी को गिरफ्तार करने की मांग की है। मौके पर पहुंची सिटी मजिस्ट्रेट को मुसलमानों ने प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन भी सौंप दिया है। अयोध्या से केपीपीएन न्यूज संवाददाता मोहम्मद आलम की रिपोर्ट। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि वसीम रिजवी ने कुरान पाक की सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दाखिल की है, जिसकी मैं मजम्मत करता हूं। मेरी एक आज उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड से नियुक्त सारे मुतवल्लियों से एक अपील है कि वो वसीम रिजवी के बयान का और इस PIL का भरपूर विरोध करें, क्योंकि आप लोग ऐसी जगहों के मुतवल्ली हैं, चाहे वो मस्जिद हो, दरगाह हो, करबला हो, ये सब दीनी इदायरे हैं, और ऐसे दीनी इदायरे में आप लोग वक्फ बोर्ड से मुतवल्ली नियुक्त हैं, जहाँ पर वसीम रिजवी ने कुरान पाक की एक तरीके से बेइज्जती की है। उनकी मजम्मत करनी चाहिए, भरपूर मजम्मत करनी चाहिए। आप लोग सब लोग मुख्यमंत्री को व बोर्ड को अपनी तरफ से लेटर बना के भेजिए, इनका विरोध करिए, ये मेरी आप लोगों से गुजारिश है। ज्ञापन दिए, क्या मामला है इसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अब ये बताने की ज़रूरत नहीं रह गई है कि क्या मामला है। आप सब जानते हैं, पूरा मुल्क इस वक्त जान रहा है कि मुल्क में जिस तरह से बदमनी पैदा करने की कोशिश किया है नालायक वसीम रिजवी ने, पूरा मुल्क इससे बेचैन और बेकरार है। और हम लोग हरगिज़ ये नहीं चाहते कि किसी के अमल से हमारे मुल्क में बदमनी पैदा हो। मजहबी किताब कुरान मुकद्दस की शान में जो उसने बेअदबी किया है और तौहीन किया है, मुसलमान कतई उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए हमारी सिर्फ ये जिम्मेदारी ही नहीं है, बल्कि हमारे दीन का हिस्सा है कि अगर कोई हमारे मज़हब के बारे में, दीन के बारे में, धार्मिक किताब के बारे में किसी तरह की कोई टिप्पणी करता है, बकवास करता है, तो हम जान तो दे सकते हैं, मगर उसके खिलाफ हम उसकी बकवास को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए वसीम रिजवी को फौरन अरेस्ट किया जाए, गिरफ्तार किया जाए, और उसको यह है कि ऐसा किया जाए ताकि वो फिर आइंदा कभी ज़ुबान ना खोल सके। ज्ञापन हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया है और मुल्क के प्रधानमंत्री महोदय को दिया है, ज़िला अधिकारी साहब के जरिए, असिस्टेंट मजिस्ट्रेट साहब यहाँ हाजिर हैं, इनके ज़रिए हम तमाम उलमा अहले सुन्नत और तंजीम के उलमा शहर के मुसलमानों ने मिल करके ये काम किया है। हमें हुकूमत से उम्मीद है कि हुकूमत उसके इस आकंतिक किरदार को ख़त्म करने की कोशिश करेगी और उसको सज़ा देगी।